सभी गुरुवरों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला की, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला की चर्चा करेंगे, और क्या चर्चा करेंगे, माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे, और क्या चर्चा करेंगे, प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे, संख्या कितनी होती है, कैसे प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार का मतलब क्या है, और उच्चारण स्थान, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, जो आपके हिंदी में भी सहयोग देने वाला है, ठीक है। और प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत करा जा सकता है वर्णों को, कौन से प्रयत्न का क्या मतलब है, आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से प्रयत्न आते हैं उनका मतलब क्या है, बाह्य प्रयत्नों में कौन कौन से प्रयत्न आते हैं, विवार का क्या मतलब है, संवार का क्या मतलब है, कौन से वर्ण विवार हैं, कौन से संवार हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, कौन से अल्पप्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, इन सबकी चर्चा करने वाले हैं। उच्चारण स्थान की चर्चा करने वाले हैं, वय का उच्चारण स्थान क्या है, क्या का उच्चारण स्थान क्या है, सारे का सारा आज ही फिनिश कर देंगे। ये आधार है संस्कृत का, वर्णमाला किसी भी भाषा का आधार होती है, तो उसे समझेंगे। पहले हम कुछ शब्दों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में पूरे बने रहना, एक बार में ही आपके सारा डर संस्कृत का, अगर तुम्हें संस्कृत से डर लगता होगा तो संस्कृत का डर निकल जाएगा। अगर बस ध्यान से सुनने की बात है, सुनते रहना, बाकी मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा अपनी जनरल भाषा में तुम्हें समझा सकूं उतना समझा सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं संस्कृत वर्णमाला से। वर्णमाला कहते किसे, वर्णमाला कहते हैं, देखो वर्णों को रखने का एक निश्चित क्रम होता है हर भाषा का। अब एक समस्या आ गई, वर्ण क्या, वर्ण किसे कहते हैं, अब पहले वर्ण की चर्चा कर ले रहे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, देखो भाषा का एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम कहते हैं ध्वनि। हम भाषा को उससे छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ध्वनि की कौन सी होती है, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ध्वनि को क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आपको ने ध्वनि सुनी, आप ध्वनि निकाल सकते हो, बोल सकते हो, पर ध्वनि लिख नहीं सकते। तो ध्वनि को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं वर्ण, समझ गए। ध्वनि को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं वर्ण। ध्वनि भी सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण लिखित रूप में होता है, ध्वनि केवल बोलने और सुनने के काम में आती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वर्ण की। अच्छा, वर्णमाला किसे कहते हैं, हर भाषा में वर्णों को रखने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हिंदी में पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं, फिर क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं, ठीक है। पहले स्वर आते हैं ए आई यू ए, ठीक है, और फिर व्यंजन आते हैं कै वर्ग पै वर्ग वो जो आते हैं कचित्र तप करके जो आते हैं, तो वो आते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत का भी अपना क्रम है, एक निश्चित क्रम है। अच्छा, संस्कृत का ये क्रम बना कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बना कैसा था। देखो एक वो थे ऋषि थे जिनका नाम था पाणिनी, ठीक है। पाणिनी अपने जो साथी थे, जब वो अपने अध्ययन करते थे गुरुकुल में अपने अध्यापक से, गुरु से, तो वो कमज़ोर थे अपने साथियों में। तो उन्होंने अपने गुरु से बोला कि गुरुजी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मैं तेज हो जाऊँ। तो गुरुजी ने उनको बोला कि बेटा ऐसा करो, आप ना आदियोगी की पूजा करो। अब आदियोगी कौन, जो हमेशा योग में लीन रहते हैं, आपने प्रतिमाओं में भी देखा होगा हमेशा योग में लीन रहते हैं, शिव शंकर जी। तो उन्होंने कहा भाई शिव शंकर जी की पूजा करो, तो उससे क्या होगा, वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, तो तुम अच्छे हो जाओगे पढ़ने में। तो उन्होंने शिव जी के घर में तपस्या करी, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर डमरू बजाया। हर आदमी खुश होने के बाद कुछ भी कर सकता, कोई नाचता है, कोई खेलता है, कोई हंसता है, कोई दारू पीता है, कोई पार्टी करता है, तो सबका अपना अपना तरीका है। तो जो प्रसन्न हुए शिव जी, तो उन्होंने अपना डमरू बजाया। अब पाणिनी जी ने जो वो डमरू की आवाज़ सुनी वो इन्होंने लिख दी, और उसे ही हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है, जो शिव शंकर जी की डमरू की आवाज़ सुनकर पाणिनी जी ने लिखे थे। अब वो डमरू की आवाज़ से हमें शिव सुनाई कैसे दिया, जैसे क्या होता है, जैसे हम पानी में गिरते हैं तो हम क्या कहते हैं, छपाक। ठीक, कोई आदमी पानी में गिरा तो क्या हुआ, छपाक। पतंग उड़ी तो कैसी, सरसर। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी ध्वनि को समझाने के लिए भाषा होती है हमारी, ठीक है, वर्ण होते हैं। इसी तरीके से जो उनकी डमरू की आवाज़ में उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनाई दी पाणिनी जी को, जो उन्होंने लिख ली, 14 बार डमरू बजाया, 14 आवाज़ें लिखी, तो वो बन गए 14 सूत्र, जिन्हें हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, समझ गए कहाँ से आए माहेश्वर सूत्र। अच्छा, है बहुत इंटरेस्टिंग माहेश्वर सूत्र। अगर आपने ये माहेश्वर सूत्र याद कर लिए और संस्कृत को एक बार समझ लिया, तो हिंदी के तो तुम प्रकांड पंडित बन जाओगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण का कुछ नहीं बचने वाला, फिर सारी हिंदी व्याकरण संस्कृत से ही ली गई है। ठीक है, संस्कृत हिंदी की भाषा है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, वैसे भी संस्कृत देववाणी है, तो इन्हें समझना जरूरी है। एक बार समझ लेंगे और आप याद कर लेना, याद करने का तरीका ही मैं बता दूंगा। जैसे मैंने याद करा था, मैंने कैसे याद करा था, एक गाना सा है, गाना टाइप है, जिसमें सारे ही सूत्र हैं। ठीक है, वो ध्वनि के साथ बोलता है और वो रिपीट करता रहता है उस गाने को, तो उसे अगर आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार सुना देता हूं, ताकि आपको ढूंढने में कठिनाई ना हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि बिल्कुल भी कठिनाई हो ना आपके। देखो जैसे ये है, देखो अयुर लुक एम एच हय बरट लण यमण ननम घट वय घट दस जब गढ़ दस
खप छट चट तप कपै सस सर हल। तो ये जो है इन्हें हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। इन्हें याद करने का तरीका मैंने बता दिया, आप वो वीडियो देख लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी कोई अगर मुझे मैसेज करेगा तो मुझ पर अगर वीडियो पड़ी होगी तो मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना। याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनका एक निश्चित क्रम है और सारे श्वास अघोष सघोष विवार संवार अलप्राण महाप्राण उच्चारण स्थन सारे के सारे इससे निकलने हैं, तो इसलिए याद करने जरूरी है। अच्छा, एक निश्चित क्रम में रखे हुए हैं। मैंने क्या बताया था, वर्णमाला की परिभाषा सही, वर्ण एक निश्चित क्रम में रखे होते हैं, तो इनका एक निश्चित क्रम रखा हुआ है। निश्चित क्रम किस तरीके से रखा हुआ है उसे समझेंगे। उससे पहले एक शब्द समझते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं, देखो ये जो अगर ये सारे हैं ना माहेश्वर सूत्र, इनकी एक खास बात है कि इनके लास्ट में ना एक हलंत वाली चीज लगी हुई है हर एक में, ड़े के ड़े चे टे मैं वे से शे पे ये रे और है ले। ये जो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं इत। इनका काम क्या है, सिर्फ प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार को आप समझते हो शॉर्ट फॉर्म समझ लो, ठीक है। जैसे हमें लिखना हो, मैं अपना नाम लिखूं शगुन कौशिक, तो एस डॉट के ऐसे लिख सकता हूं मैं शगुन कौशिक, तो ये क्या हो गया, एक मेरी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ऐसे ही जब हम बहुत सारे वर्णों की चर्चा करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार से क्या मतलब है, तो पहला ए और लास्ट में चे। अच प्रत्याहार से मतलब है इन इस इन समेत इनके बीच में आने वाले वर्ण, पर तुम्हें छोड़ने क्या है, हलंत वाले छोड़ने हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन से हुए, ए ई ऊ रि लि ए औ ए और औ, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए अच प्रत्याहार में, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत तरीके से प्रत्याहार बना सकते हैं। कितने प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार। जैसे एक और होता है आपने बहुत सुना होगा, इको यणची, ठीक है, यण स्वर संधि सुना आपने। देखो अभी इसका एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, मतलब डेली लाइफ में जैसे आप पढ़ोगे यण स्वर संधि, ठीक है, तो यण स्वर संधि में क्या होता है, इसका सूत्र है इको यणची। इसमें क्या होता है, इक प्रत्यय का यण बन जाता है। अभी समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं बात अभी समझोगे तो मतलब अभी जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा समझ जाओगे। जैसे यण स्वर संधि है तो उसकी परिभाषा है, यण स्वर संधि की परिभाषा है इको यणची, ठीक है, सूत्र है इसका, मतलब इक प्रत्यय का यण प्रत्यय बन जाता है। अब इक प्रत्यय क्या है, जैसे मैंने इसमें बताया, तो इक प्रत्यय अगर तुम्हें बनाना है तो पहले तो ढूंढो ई, ई कहाँ है, एरिया ई, उसके बाद के में हलंत जरूर लगा होगा, ठीक है, तो देखो के कहाँ है, ठीक है, के कहाँ है, एरिया। तो इक प्रत्यय क्या मतलब है, के छोड़ना है, ण छोड़ना है, ई ऊ रि और लिरी, मतलब ई ऊ रि और लिरी, ठीक है। इन शब्दों के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बन जाता है, यण प्रत्याहार बन जाता है। यण क्या, ये ढूंढो, ये कहाँ है, ये एरिया ये, और ण कहाँ है, ण एरिया ये, तो क्या बन गया, ये वे रे, ये तो छोड़ना है क्योंकि इत इट है, यो इत लिख रखा ना मैंने, इट है छोड़ना है, और ले ये वे रे ले, किसका क्या बन जाता है, इसका ये वे और रे और ले, ये बन जाता है। यही तो यर्ष और संधि है। यर्ष और संधि क्या है, अगर ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ रि लि के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, रि का र और लि का ल हो जाता है। यही तो थी यर्ष और संधि। तो यर्ष और संधि बनी कहां से है, महेश्वर सूत्र से बनी है। ये सब चीजों का आधार है, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं आप, सु प्लस आगत, ये क्या हो गया, स्वागत हो गया। कैसा हुआ स्वागत, ऊ के बाद आसमान स्वर आया ए, तो ऊ का क्या बन गया, वह, यर्ष संधि हो गई, ठीक है, तो स्वागत, ये यर्ष संधि बन गई। यर्ष संधि बनी कैसे, सूत्र से, इको यणची से। इको यणची क्या कहता है, इक का यण होना है, कब, जब आसमान स्वर आए, ठीक है। तो ये तो है देखो प्रत्याहारों का यूज, और ये हो गए प्रत्याहार। मैंने समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। प्रत्याहार किसे कहते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की वर्णों को, वर्णों को लिखने की शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसके आधार पर संस्कृत की पूरी वर्णमाला है और हिंदी की वर्णमाला भी इसी आधार पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार समझ गए। अच्छा, अब ये जो क्रम रखे हुए हैं माहेश्वर सूत्र में, वर्णों के जो क्रम रखे हुए हैं संस्कृत वर्णमाला में, वो एक निश्चित क्रम है। जैसे पहले पहले हैं स्वर, स्वरों में भी पहले हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से प्रत्याहार में, पहले और दूसरे, वो कौन कौन से महेश्वर सूत्र में, दो महेश्वर सूत्र में, अयुण और रिलिक, इन दो में है। कैसे, ए ई ऊ रि और लि, ये पांच हैं मूल स्वर संस्कृत के। अब इन्हें मूल स्वर क्यों कहते हैं ये भी समझाऊंगा, पहले पूरा सुन लो। उसके बाद आगे क्या आते हैं, ए औ ए ओ एच, एओंग एओच, ठीक है, ये और हो गए दो।
तो पहले चार माहेश्वर सूत्रों में, 10 में से पहले चार माहेश्वर सूत्रों में स्वर का जिक्र है। स्वर कितने हैं टोटल? 9, जिसमें से 5 है मूल स्वर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ए जो बना है ना, ए जो बना है ये कैसा बना है? ए प्लस ई से, तभी आप इसे आई बोलते हैं। कुछ लोग आई बोलते हैं ना, ए प्लस ई आई आई बोलते हैं। इसलिए ये जो है मूल स्वर नहीं है। इस स्वर की उत्पत्ति दो स्वरों से हुई है, इसलिए मूल स्वर नहीं है। दूसरा ओ, ओ कैसा बना है? ए प्लस उ, तो इसे औ कहते हैं। कुछ लोग इसे औ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ए प्लस उ औ, ए प्लस ई आई। तो ये जो है ना ए ओ और बड़ा ए और बड़ा ओ, ये जो है ये मूल स्वर नहीं है, ये केवल स्वर हैं। मूल स्वर कितने हैं? 5। संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? 5, जो पहले दो में है। बाद के दो के जो हैं वो पहले दो से निर्मित हैं, ठीक है। तो प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो अक प्रत्याहार में है पहले 5 स्वर, याद हो जाएंगे मूल स्वर। उसके बाद अच प्रत्याहार में है, यहाँ पे ए यहाँ से लेकर चय तक, अच प्रत्याहार में स्वर, मतलब पहले चार माहेश्वर सूत्र में स्वर। कितने स्वर है? 9। तो संस्कृत में कितने स्वर है? 9। संस्कृत के मूल स्वर कितने हैं? 5। समझ गए? कौन सा प्रत्याहार स्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है? अच। कौन सा प्रत्याहार मूल स्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है? अक प्रत्याहार, ठीक है। समझ गए? इस तरीके से आप सारे प्रत्याहार बना सकते हो। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि किस किस तरीके से लिखे हुए हैं ये प्रत्याहार। देखो ये तो अक और अच तो समझ गए। उसके बाद आता है हयवरट लण। ये क्या है? हर जो प्रत्याहार है ना, हर प्रत्याहार ये जो है इसे हम कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? यह वह रेल है, यह वह रेल है, ये तो अंतस्थ होते हैं, ठीक है। तो हयवरट और लण यण प्रत्याहार से जो बना, इको यणची में, यणची में यही था ना, यण प्रत्याहार यणची में ये जो बना इसे हम कहते हैं अंतस्थ, ठीक है, या अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वरों के बाद आए हैं महेश्वर सूत्रों में, क्योंकि है यह वह रे ले अर्धस्वरों के बाद आए हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कहते हैं या अंतस्थ कहते हैं, आप इसे अंतस्थ कहते होंगे, अर्धस्वर भी इसे कह सकते हैं। तो ये कौन से में? हर प्रत्याहार में है। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद यम रनम, इसमें कौन से हैं? पंचम वर्ग है ये पंचम वर्ग है। जब आप लिखते हो ना कै खे गै घे ण चै छे जय जय हुए पै फे वै वह मैं तै थे दे दे ने और टै ठे डे ढे ण, ये जो आता है यम रनम यही तो है यम रनम। तो ये जो है पांचवे जो लिखे हुए होते हैं, अगर आपको नहीं पता हो कै वर्ग खै वर्ग गै वर्ग घे वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी की वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। कै वर्ग पै वर्ग बाकी अधिकतर लोग जानते होंगे, क्योंकि जिसने एक बार भी हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, वो वर्ग समझते होंगे। कैसे मैतक वर्ग कच टतप जो बोलते हैं हम, तो उसमें जो है आते हैं ये वर्ग। तो इनका जो पंचम अक्षर है उससे बना हुआ है प्रत्याहार नंबर 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्याहार नंबर 7, ठीक है, पंचम वर्ण से। उसके बाद क्या है? उसके बाद चतुर्थ वर्ण से, जैसे कै खे गै घे घे होगा इसमें जरूर, घे है देखो, तै थे दे दह दह जरूर होगा इसमें, दह जरूर होगा, और पै फे बै भै भै होगा, भै इसमें। तो मतलब चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ से जो बने हैं वो है झवे और घड़दस, ये हो गया। उसके बाद क्या है? तृतीय जब गढ़ दस, इस प्रत्याहार में क्योंकि शय को तो हम काउंट नहीं करते, जिसमें भी हमने हलंत लगा रखा है वो इत है, इसे हमें काउंट नहीं करना, ये तो बस लिख रखा है हमने। तो जब गढ़ दस ये जो है तृतीय का बना हुआ है, मतलब हर एक वर्ग का तृतीय अक्षर, जैसे कै खे गै जरूर होगा इसमें, देखो है कै खे गै, चै छे जय जरूर होगा इसमें, नहीं चै छे जय, चै छे जय, जय जरूर होगा है। इस तरीके से पै फे बै, बै जरूर होगा है नहीं है, तो ये तय थे दे, दे जरूर होगा है। तो ये जो है ना ये तृतीय वर्ग के हैं। उसके बाद प्रथम और द्वितीय वर्ग जो है, ठीक है, उस वो जो है ये 11 और 12 में है, प्रत्याहार नंबर 11 और 12 में खय में, ठीक है, खै फै छै ठे तै चै टै तै पै कै पै, तो सारा पहला कै कै खै और चै छै जय झै ये सब इसमें होंगे, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे चै छै सब इसमें है। बाकी बात कर लेते हैं लास्ट में, लास्ट में क्या है? अब इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी? स्वर से करी, स्वर आए, स्वर के बाद अर्धस्वर आए, अर्धस्वर के बाद 5 4 3 2 1, उसके बाद क्या? उसके बाद आए ऊष्म। ऊष्म कौन से थे? शय 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 है वो ही तो ऊष्म थे। ऊष्म किन्हें कहते हैं? जिनसे जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, जैसे शय, ठीक है, शय और शय और है, इनसे क्या होता है? गर्म हवा बाहर निकलती है, बोल कर देख लेना निकल जाएगी।
तो उन्हें हम कहते हैं ऊष्म। तो उसके बाद है ऊष्म। तो प्रत्याहार किस तरीके से हैं, मतलब सॉरी माहेश्वर सूत्र किस तरीके से लिखे गए कि पहले स्वर हैं, फिर अर्धस्वर हैं, फिर पंचम है, फिर चतुर्थ है, फिर तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म। देखो कितने करीने से लिखे गए, कितने हिसाब लगाए लिखे गए, ये देखो तुम अभी तो। और तुम जैसे जैसे संधि समास वगैरह पढ़ोगे ना, तब तुम्हें लगेगा हाँ जी बहुत काम की चीज है। तो स्वर किसमें है, अच प्रत्याहार में, ऐसे लेके चय तक, ठीक है। और व्यंजन किसमें है, हल प्रत्याहार में, इस है से लेके इस ले तक, हल प्रत्याहार में है व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, 33। स्वर कितने हैं, 9। एक बात हो गई क्लियर, ठीक है, इस बात को याद रखना हमेशा। बाकी अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि तुम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार वीडियो पूरी देख लेना, पर पहले मुझे फिनिश करने दो बात अपनी। अच्छा, तो ये माहेश्वर सूत्र होगा 14 और प्रत्याहार बन सकते हैं 42। प्रत्याहार किसे कहते हैं, जो माहेश्वर सूत्रों से वर्ण को चुनने की जो तरीका होता है कि हमें ऐसे लेके चय तक चुनना है, तो अच प्रत्याहार कह दिया हमने, तो हम कहते हैं प्रत्याहार। कितने होते हैं, 42। अच्छा, अब प्रयत्नों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वर्णों का, वो किस तरीके से किया गया है, तो दो तरीके से किया गया है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न मतलब जब आप वर्ण बोलने से पहले प्रयत्न करते हैं, मतलब वर्ण बोलने से पहले मुंह से आवाज नहीं निकली उससे पहले जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। उसके बाद होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है, जब आपके मुंह से हवा निकल गई उसके बाद जो प्रयत्न कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब समझ गए आप बात, आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 प्रकार के, कौन कौन से, संवृत, विवृत, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट और ईषद विवृत। अब ये क्या क्या होते हैं, देखो संवृत होता है मतलब बंद, संवृत का मतलब होता है बंद या ढका हुआ, मतलब इसमें जो है जब आप इसे बोलते हैं ना संवृत को, संवृत में क्या आता है, ए आता है, केवल ए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके जो मुख मुख से जो अंदर से जो गले से जो हवा आ रही होती है वो उसका मार्ग अवरोध हो जाता है, जैसे ए। अब पता कैसे लगेगा अवरोध हुआ है, आप किसी भी चीज को जिसमें मैं बताऊंगा उसे आप बोल के देखो पर बोलना मत, मतलब बोलने से ठीक पहले रुक जाओ, ठीक है। जैसे ए बोलना है तो बोलने की पूरी कोशिश करो पर बोलो मत, हवा मत निकलने दो मुंह से, तो आपका जो वो अंदर जो रुका ना, मतलब जो वायु का हवा बंद, बेग बंद हुआ, ठीक है, उसे हम कहते हैं संवृत। तो संवृत में क्या आता है, केवल ए आता है, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न संवृत, इसमें ए आता है। उसके बाद क्या आता है, विवृत, इसमें क्या होता है, आपका जिस वर्णों को बोलने में आपका मुंह पूरा खुला होता है। विवृत में आते हैं सारे स्वर, जैसे ए आ ई ई ऊ ए औ अंग ए औ अंग है तो है मिनी इसमें, सॉरी सॉरी यार, वो उसमें होते हैं ना आदत लगी हुई है, ठीक है, संस्कृत में नहीं होते हैं, वो हिंदी में होते हैं, ए ई ऊ, ठीक है, रि 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 ए औ ओ औ, ठीक है, ए और औ। तो ये जो होते हैं ना इन्हें हम कहते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, इसमें मुख ना खुला हुआ होता है, ठीक है, तो विवृत समझ गए। उसके बाद आते हैं ईषद स्पृष्ट, फिर आते हैं स्पृष्ट, पहले स्पृष्ट समझते हैं फिर ईषद स्पृष्ट समझेंगे। स्पृष्ट में क्या होता है, इसमें जो आपकी जीव है वो कहीं ना कहीं टच होगी, चाहे कंठ से टच हो, चाहे तालु से टच हो, जैसे यहीं से ले लो, पंचम चतुर्थ प्रत्यय कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कै, कै इसमें कंठ है, कंठ का काम है, कंठ से आवाज निकल रही है, कै, ठीक है। उसके बाद आप इसे ले लो, खै को ले लो, खै, ठीक है, या गै को ले लो, गै, समझ गए। सब में कहीं ना कहीं स्पृष्ट होगी या स्पर्श होगी, इसकी मैं और चर्चा आगे कर लूंगा जब मैं चर्चा करूंगा उच्चारण स्थान की, ठीक है, सारे उच्चारण स्थान एक बार में दिखा दूंगा कहां क्या होता है, तब मैं विस्तृत रूप से इसकी चर्चा कर लूंगा। उसके बाद आते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद का मतलब होता है हल्का सा, स्पृष्ट का मतलब छूना, हल्का सा छूता है। इसमें क्या था, पूरा छुआ रहता और छुआ रहता पूरा, जब तक हम बोलते हैं के पूरे, वहां जहां जहां हमारी जीव लगनी थी वहीं लगी रही। ईषद स्पृष्ट में क्या, ऐसा नहीं होता, लगेगी और हट जाएगी, जैसे ये, वे, रे, ले, ठीक है। ईषद स्पृष्ट में क्या होता है, केवल जीव जो है वो लगेगी और हट जाएगी, हल्का सा छुएगी। उसके बाद आते हैं ईषद विवृत, इसमें जो है हल्का सा मुंह खुलता है। विवृत में क्या था, पूरा मुंह खुलता था, जैसे सारे स्वर पूरा मुंह खुलता था, इसे विवृत में पूरा मुंह नहीं खुलता, हल्का सा खुलता है, जैसे शे, शे, शे और है, ठीक है, इसमें जो है हल्का सा मुंह खुलता है। तो इसे विवृत समझ गए आप, विवृत समझ गए, इसे स्पृष्ट समझ गए और स्पृष्ट समझ गए। ये तो ये सारे जो पांच है ना, संवृत में केवल है, संवृत, विवृत, इसे स्पृष्ट, स्पृष्ट और इसे विवृत, ये पांच होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, बोलने से पहले के प्रयत्न। उसके बाद होते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ जाता है क्वेश्चन, भैया ईषद स्पृष्ट कौन सा है, स्पृष्ट कौन सा है, इसलिए मैंने सारे एक ही बोर्ड में समेट दिए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे और आप अच्छे से याद कर सकें, ठीक है, चीजों को समझते हुए। बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं, तो बाह्य प्रयत्न होते हैं 11, कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित।
अब ये बड़े अजीब अजीब से शब्द लग रहे होंगे, पर जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊंगा ना, वैसे वैसे आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है, और याद भी होता जाएगा। विवार किसे कहते हैं? जब आपकी स्वर ग्रंथियां खुली होती हैं, जिन वर्णों को बोलने पर आपकी स्वर ग्रंथियां खुली होती हैं। अभी केवल ये समझ लो किसे क्या कहते हैं, ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगा इससे आगे, पहले सारे यही समझ लेते हैं। संवार किसे कहते हैं? जिसमें आपकी जो ग्रंथियां हैं, बोलने वाली ग्रंथियां, वो बंद रहती हैं, तो वो क्या संवार। श्वास किसे कहते हैं? जिसे बोलने में वायु को कोई बाधा का अनुभव ना हो, ठीक है, वो हो गया श्वास। नाद किसे कहते हैं? जिसे बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, नाद हो, उसे नाद कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? जब हमारी स्वर तंत्रियां बिल्कुल, स्वर जो तंत्र है बिल्कुल अलग रहे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अघोष। घोष किसे कहते हैं? जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो, ठीक है, ठीक है, एक बहुत पास रहे में और कंपन करें, स्वर तंत्रियां पास भी रहनी चाहिए और कंपन भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई छह मेन बातें। अब ये छह मैंने क्यों बताई हैं? क्योंकि मुख्य रूप से जो बाह्य प्रयत्न है ना, वो केवल चार हैं, ठीक है, या तो वो अल्पप्राण हो सकता है या महाप्राण हो सकता है, ठीक है, या वो अघोष हो सकता है या वो सघोष हो सकता है, या वो श्वास हो सकता है या वो नाद हो सकता है, या विवार हो सकता है या संवार हो सकता है। पहली बात तो ये चार है, या तो विवार होगा या संवार होगा, एक हो गया श्वास होगा या नाद होगा, दो हो गया अघोष होगा या सघोष होगा, तीन हो गया अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा, चार हो गया, ये होते हैं, ठीक है। और एक बात और, जो विवार होगा वही श्वास होगा वही अघोष होगा, ये तीन चीजें एक साथ हैं। विवार होगा तो श्वास भी होगा अघोष भी होगा, संवार होगा तो नाद भी होगा और घोष भी होगा या सघोष भी होगा। कितने मजे की बात है, तीन तीन का ग्रुप बन गया, हमें याद करने में आसानी रही। हमें ये बात याद रही कौन सी बात श्वास है, तो हमें ये भी याद रही कौन सी बात विवार है, कौन सी बात अघोष है, ठीक है। देखो मैंने चिन्ह बना दिए ताकि याद रहे, स्वतंत्रता खुली बंद, बाधा नहीं होने की श्वास में, इसमें कंपन होगा, इसमें स्वतंत्रता दूर दूर रहेंगी, खुली रहेंगी, इसमें पास पास रहेंगी और कंपन होगा, ठीक है, और यह अल्पप्राण हो सकता है महाप्राण हो सकता है। अब मजे की बात क्या है, इसके अलावा जो बचे उनकी चर्चा कर लेना है, फिर हम समझेंगे क्या क्या है। उदांत, उदांत होता है एक बाह्य प्रयत्न। उदांत का मतलब क्या होता है? इसमें आते हैं सारे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने में एक मात्रा के बराबर समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर। उसके बाद आते हैं अनुदांत। अनुदांत किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर। फिर आते हैं स्वरित या प्लुत स्वर, ठीक है, जिन्हें बोलने में तीन मात्रा का समय लगे। अब आप क्या हो गए, मात्रा बोलने में समय कितना लगता है, तो जितना पलक झपकने में समय लगता है इतना मात्रा बोलने में समय लगता है, समझ गए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? हिंदी से भी तुम्हें याद होगा, ए ई उ रि, जो पहले हैं छोटे वाले, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई उ, जो बड़े वाले हैं वो दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है। जैसे आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा ओम, तो ये ओम नहीं है, यह ओम, तो ये ओ जो है तीन बार बोलना है, तो ये है प्लुत स्वर। या जैसे आपने एक और सुना होगा, या आपने करा होगा ये काम, तो खैर जैसे आपने आवाज लगाते ना किसी को, जैसे किसी का नाम है बधुआ, तो आप कहेंगे बधुआ रे बोलते हैं नहीं हमने किसी दोस्त को आवाज लगा रहे हैं, जैसे विशाल को आवाज लगाना है विशाल रे, तो वो जो है वो है प्लस स्वर, जिसमें तीन गुनी आवाज लगाते हैं आप, ठीक है, ह्रस्व स्वर की तुलना में। तो ह्रस्व स्वर जो है वही उदांत है, दीर्घ स्वर जो उदांत है, प्लस स्वर जो है वही स्वरित है। अब आवे निम्न में से क्या उदांत है, वर्ण उदांत है या कौन सा स्वर उदांत है? ये तीनों, पहली बात ये तीनों जो है स्वरी होते हैं। एक बात और याद आ गई, तो पहली बात तो अगर चारों ऑप्शन में से कोई सा भी स्वर ना हो, मतलब कोई सा एक स्वर हो, तो सही लगाइए ये हो, अगर तीन व्यंजन है एक स्वर हो। और दूसरी बात, अगर दो स्वर दे रखे हैं तो जो उनका ह्रस्व स्वर हो वो उदांत होगा, जो दीर्घ स्वर होगा वो उदांत होगा, जो प्लुत स्वर होगा वो स्वरित होगा, ठीक है। ये तो समझ गए, अब हमारे बच्चे हैं बस विवार संवार श्वास। अब इनकी एक ट्रिक है, इनका मतलब तो आप समझ गए सबका, अब ये ना कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हमें ये ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें याद रखनी पड़ती हैं, रटना पड़ता है जिन्हें, सीधी हिंदी भाषा में बोलूँ तो रटना पड़ता है। जैसे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे तो याद होंगी नहीं, तो इनके सूत्र हैं दो सूत्र, ये याद कर लेना, ये सारे के सारे प्रयत्न याद हो गए केवल दो सूत्रों से ही। कौन कौन से? खरो विवारा श्वासा अघोषास्त्र, मतलब खर प्रत्याहार विवार है, श्वास है, अघोष है, समझ गए। खर प्रत्याहार से क्या मतलब है, अब जल्दी से ढूंढो, खे कहाँ है, ये रिया खे, और रे कहाँ है, ये रिया रे। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? खे फे छे ठे चे टे ते के पे शे शे से, मतलब प्रथम और द्वितीय, ऐसे समझ लो, चाहे तो खर प्रत्याहार से समझ लो, चाहे समझ लो प्रथम और द्वितीय। तो खर प्रत्याहार जो है मतलब कै वाला नीचे वाली लाइन कचटतप, और खै वाली पूरी लाइन खफ छटत जो भी है वो वाली पूरी लाइन,
ये दोनों जो हैं ये विवार हैं, श्वास हैं और अघोष हैं, कितना सिंपल है। उसके बाद दूसरा हसे संवादा नादा अघोषास, जो संवारा संवारा हो गए, संवार नाद और घोष ये कौन से हैं, हस। हस कौन से हैं, योरिया है और योरिया शय, मतलब ये वे रे ले ये मैणे झे वे घेड़े दे जय वे घेड़े दे, मतलब पांचवा चौथा और तीसरा, समझ गए, तीसरा चौथा और पांचवा हर एक वर्ग का, जैसे कै वर्ग है, कै खे गे घे और ढ़, ठीक है, तो ऐसे नीचे होगा, चै वर्ग होगा चै छे जय झे वे, ऐसे ये का जो वर्ग होंगे ना, तो इसका जो तीसरा चौथा और पांचवा है वो हमेशा सवार संवार नाद और घोष होगा, ठीक है, याद रखेगा, याद रखियो, नहीं तो मैं सलाह देता हूं कि तुम ये संस्कृत के सूत्र याद कर लो, एक लाइन ही है रट लेना बहुत बार, खरो बिवारा स्वारा घोषास, खरो बिवारा स्वारा घोषास, खरो बिवारा स्वारा घोषास, खरो बिवारा स्वारा घोषास, और ये याद कर लेना, तो ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से और आपको याद रहेगा, तो इस तरीके से याद कर लेना, नहीं तो वही ऐसे याद कर लेना जैसे मैंने तुम्हें ये वर्ण भी आगे लिख दिए हैं, देख लेना कौन कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा जो है वो हस में आता है, लिख दे रहा हूँ इसके आगे, और तीन चार पांच और पहला दूसरा जो आता है वो खर में आता है, इसके अलावा और कौन कौन आते हैं वो देखने के लिए ये देखना पड़ेगा, जैसे श श श किस में आते हैं, खर में आते हैं, श श श यानी श श श कौन से थे, श श श कौन से थे, ऊष्म, ऊष्म जो आएंगे वो खर में आएंगे, और अंतस्थ जो आएंगे वो या अंतस्थ या अर्धस्वर वो हस में आएंगे, या वो अंतस्थ होंगे संवार नाद घोष, एक तो बात ये हो गई, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समझाना पड़ रहा है इस पर, क्योंकि सारे सबका मतलब भी बताना है, फिर ये भी याद कराना कैसे याद रखना है। अच्छा उसके बाद आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण मतलब जिन्हें बोलने में अल्प समय लगे, महाप्राण जिसे बोलने में ज्यादा समय लगे, ठीक है, ज्यादा जान से बोला जा, प्राण मतलब ज्यादा जान से बोला जा, जैसे अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं, पहले तीसरे पांचवे, और पहले तीसरे पांचवे और यह वह रेल है या यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार कहाँ है, यह वह रेल, ये यण प्रत्याहार, यह वह रेल है, ठीक है, और पहले तीसरे पांचवे, पहले तीसरे पांचवे कैसे, जैसे मैंने यहां लिखे थे कै खे गै घेड़े, कै गैड़े, तो वो जो है अल्प प्राण है। महाप्राण कौन कौन से हैं, जो उसी सीरीज में दूसरे और चौथे होते हैं, और शल प्रत्याहार यानी श श है, शल प्रत्याहार ये रहा, शल प्रत्याहार या ऊष्म, ठीक है, इसे हम ऊष्म भी कह सकते हैं, ऊष्म, और इसे कह सकते हैं हम अंतस्थ, ठीक है, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो अंतस्थ कह सकते हैं हम इसे, इसे उसमें कह सकते हैं, महाप्राण उष्म और अल्प प्राण अंतस्थ, साथ ही साथ एक तीन पांच भी होते हैं और दो चार भी होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, आपसे दो तीन बार देख लेना तो उस चीज को याद कर लेना, क्योंकि ये इससे ज्यादा ट्रिक कुछ नहीं हो सकती, और समझना भी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, हर चीज का मतलब पता है तुम्हें विवार संवार का, बाकी अगर तुम, क्योंकि पहले तो एक्सपीरियंस से निकालने की कोशिश करो करो, पर एक्सपीरियंस से कई बार हमें गलत हो जाता है, जैसे मैं कहूँ आपसे श श का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, तो आपका ना गलत हो जाएगा, आप बोल के देखोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, सब अपन इतना शुद्ध उच्चारण तो करते नहीं है, तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ चीजें याद रखो तो उससे अच्छा याद रहेगा। तो ये तो चर्चा हो गई आपकी संस्कृत वर्णमाला की, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार की, यही काफी लंबा टॉपिक हो गया, पहले मैं सोच रहा था कि इसमें ही आपको उच्चारण स्थान बता दूंगा, पर उच्चारण स्थान के लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो वो देख लेना, तब तक चैनल से जुड़े रहना, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आए हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुवर क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद।